इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 10 किचन गैजेट्स जो किचन के काफी सारे कामों को इजी एंड फास्ट बना सकते हैं। ये सारे गैजेट्स 150 से 400 रुपीस की प्राइस रेंज के अंदर हैं। बट जस्ट बिफोर फर्स्ट वाटरमेलन स्लाइसर। इस गैजेट से आप वाटरमेलन को इजीली स्लाइस कर सकते हैं। ये स्लाइसर स्टेनलेस स्टील का बना है। इसके फ्रंट में एक ब्लेड लगा है जो वाटरमेलन को स्मूथली कट कर देता है। एंड आप इसके थ्रू स्लाइस को होल्ड करके प्लेट में सर्व भी कर सकते हैं। ये इस काम को काफी इजी एंड फास्ट बना देता है। सेकेंड वेजिटेबल चॉपर। इस वेजिटेबल चॉपर में आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको इसे बंद करके इसके साइड में लगे हैंड को पुल करना है एंड वेजिटेबल्स चॉप होने लगेंगे। आपको वेजिटेबल्स फाइनली चॉप करने के लिए इसे ज्यादा टाइम्स पुल करना है। एंड इस डिवाइस का एक बेनिफिट ये भी है कि इट कंज्यूम्स नो इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे वॉलनट्स आलमंड्स भी इजीली फाइनली चॉप कर सकते हैं। थर्ड फोमर और फ्रॉथर। इस डिवाइस से आप मिल्क या और भी चीजों को फोमी और डेंस बना सकते हैं। इसके स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आप इसे डायरेक्टली ग्लास या बाउल में यूज कर सकते हैं। आप इससे सैलेड ड्रेसिंग या रेस्टोरेंट जैसी कॉफी भी बना सकते हैं। फोर्थ टर्बो फ्लेक्स 360। इस टर्बो फ्लेक्स 360 को आप अपने वॉश बेसिन के टैप में लगा सकते हैं। इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ये आपको यूटेंसिल्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। टैप से डायरेक्टली बोतल फिल करना या बड़े यूटेंसिल्स को वॉश करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसे यूज करके वो इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ क्लेवर 2-in-1 कटिंग सीजर्स। इस क्लेवर कटिंग सीजर्स को नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इस सीजर को यूज करके आप डायरेक्टली वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं। आपको अलग से चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ की जरूरत नहीं है एंड इट सेव्स योर लॉट्स ऑफ टाइम। सिक्स्थ वेजिटेबल कर्लर। इस डिवाइस को कोनिकल शेप दिया गया है एंड इसके इनसाइड में बोथ पार्ट्स में ब्लेड लगा है तो आप जब इसमें वेजिटेबल डालते हैं जैसे कुकुम्बर या कैरेट तो वो स्लाइस होते हुए कर्ल होके निकलता है। आप इसे वेजिटेबल सैलेड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू काफी अच्छे लंबे स्ट्रिप्स निकलते हैं। सेवेंथ पाइनएप्पल पीलर। इस डिवाइस का मैकेनिज्म कॉर्क स्क्रू की तरह है। आपको पाइनएप्पल को ऊपर के पार्ट से कट करके इस डिवाइस को पाइनएप्पल के ऊपर रख के घुमाना है एंड ये पाइनएप्पल के अंदर चला जाएगा। अगर आपको एक स्लाइस चाहिए तो आप इसे एक बार रोटेट कर सकते हैं या आप इसे एक बार में पूरा रोटेट करके पूरे पाइनएप्पल को कट कर सकते हैं। पूरा रोटेट होने के बाद आप इसे पुल कर लें एंड ये इंस्टेंटली काफी सारे पाइनएप्पल के स्लाइस बना देगा। बस आपको एक कट लगाना है एंड पाइनएप्पल इज रेडी टू ईट। एट थंब पुश ग्राइंडर। आप इस डिवाइस के थ्रू फ्रेश पेपर एंड सॉल्ट लम्स को ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। आपको बस इसे ऊपर से प्रेस करना है एंड इसमें से फाइन सॉल्ट या पेपर पाउडर बाहर आ जाएगा। आप इसे सैलेड में गार्निशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये काफी स्लिम एंड कॉम्पैक्ट है कम्पेयर टू अदर बल्की एंड बिग ग्राइंडर्स। 9 क्लीनिंग डिश वैंड। ये डिवाइस क्लीनिंग में काफी यूजफुल टूल हो सकता है। इसके आगे के पार्ट में काफी अच्छा स्क्रबर लगा हुआ है एंड आप इसमें पीछे से लिक्विड सोप डाल सकते हैं। 10 आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे इजीली यूटेंसिल्स क्लीन कर सकते हैं। आपको बार बार सोप या पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे लगे स्क्रबर में अपने आप ही लिक्विड सोप आता रहेगा एंड अच्छे से यूटेंसिल्स क्लीन कर देगा। 10th ऑयल पोरिंग एंड स्प्रेडिंग बोतल। आप इसमें ऑयल फिल करके यूज कर सकते हैं। इसमें आगे हाई क्वालिटी का ब्रश लगा हुआ है एंड ये हीट रेजिस्टेंट भी है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ऑयल को मिनिमम यूज करने में हेल्प करता है एंड आप इसके थ्रू ऑयल को अच्छे से स्प्रेड भी कर सकते हैं। गाइज इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स डू चेक द डिस्क्रिप्शन टू परचेज देम इन द लोएस्ट प्राइस। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो।